हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषा'स क्यूजिन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल डेयरी मिल्क बबली की रेसिपी। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इसकी जगह डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे चॉकलेट मेल्ट करने में आसानी होगी। तो मैंने सारी चॉकलेट को कट कर लिया है। अब इसे डबल बॉयलर के हेल्प से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को कभी भी डायरेक्ट मेल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बदल जाता है। इसलिए उसे हमेशा डबल बॉयलर के हेल्प से ही मेल्ट करना चाहिए। तो अब चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब इसे बीच बीच में इसी तरीके से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। अब चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब इस चॉकलेट के बबल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 12 पीस ओरियो बिस्किट के ले लिए हैं। अब सबसे पहले इसके क्रीम निकाल के इसे अलग कर देंगे। तो मैंने बिस्किट की सारी क्रीम निकाल के अलग कर दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे क्रीम के साथ भी बना सकते हैं। अब सारी बिस्किट्स को तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो अब इसे बाइंड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चॉकलेट, जिसे हमने पहले मेल्ट करके रखा था। अब मैं इसमें 1 चम्मच और चॉकलेट डाल रही हूँ। तो अब इसका डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। और ये 2 चम्मच चॉकलेट से बाइंड नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा दूध डालकर इसे बाइंड किया है, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा चॉकलेट का यूज़ नहीं करना था। आप चाहे तो इसे सिर्फ दूध से ही बाइंड कर सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बॉल एक ही साइज़ के बनाना ज़रूरी नहीं है, ये छोटे बड़े भी रहेंगे तो चलेगा। तो मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं और एक प्लेन सरफेस लेंगे और इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट बिछा दी है और इसे ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। और प्लास्टिक शीट के जगह आप सिल्वर फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस पर डालेंगे चॉकलेट, जिसे हमने पहले मेल्ट करके रखा था, और इसे रेक्टेंगुलर शेप में फैला लेंगे। तो चॉकलेट आपको जितनी छोटी या बड़ी बनाना है, आप इसे उस हिसाब से फैलाएं। तो मैंने चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें लाइन से हम सारे बॉल्स लगा देंगे। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में सारी चीज़ें मिल ही जाती है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से ये चॉकलेट बना के अपने वैलेंटाइन को खिलाएंगे तो उसकी खुशी ही नेक्स्ट लेवल की होगी। तो सारे बॉल्स प्लेस करने के बाद इस पर बची हुई सारी चॉकलेट डालकर इसे कवर कर देंगे। तो अब मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट में ये चॉकलेट सेट हो गई है और हमारी होममेड बबली चॉकलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसे साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है और ये खाने में मार्केट वाले किसी चॉकलेट से कम नहीं है। तो हमें तो ये चॉकलेट बहुत अच्छी लगी। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये चॉकलेट कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए उषा'स क्यूजिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।